अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्टाइल फूड विद मी वाहिदा। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, घर पर ही रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी चिकन, बिना किसी ओवन, बिना किसी तंदूर के, घर पर ही बहुत मज़ेदार, बहुत ही बढ़िया बनता है। मिनिमम इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बनाकर अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही आपकी तारीफ में वाहवाही तो ज़रूर होने वाली है। तो चलिए बनाने का तरीका और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। चिकन को सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए इसको विनीगर और सॉल्ट के पानी में धोना ज़रूरी है फ्रेंड्स, जिसके लिए मैं 2 टेबलस्पून के जितना विनीगर और एक या फिर आधा टीस्पून के जितना नमक डाल देंगे इसमें, और पानी डालते हुए इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसलते हुए इसको विनीगर और सॉल्ट के पानी में ही धोएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने विनीगर के पानी से मसलते हुए 1 से 2 मिनट के लिए धो लिया। फिर इसके बाद 2 से 3 पानी फ्रेश वाटर से चिकन को धो लिया है। तो जो भी इसका एक्सेस वाटर है उसको भी ड्रेन आउट होने के लिए 10-12 मिनट के लिए रख दिया था। जो एक्सेस वाटर है वो भी ड्रेन आउट हो चुका है। चिकन देखिए बहुत अच्छे से क्लीन हुआ है, इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसको मैरिनेट कर देते हैं। अभी नमक डाला है मैंने और इसमें डाला है चिली पाउडर। चिली पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और चिकन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डाल दें फ्रेंड्स। 1 टीस्पून के जितना मैंने डाला है गरम मसाला और 2 नींबू का रस डाल दिया है। और इसमें डाल देंगे तंदूरी मसाला, सर 2 टीस्पून भरकर इसमें डाल देंगे और तंदूरी मसाला। 1 और आधा टीस्पून डाल देंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट और कर्ड डाल देंगे। थिक गाढ़ा कर्ड है, हंकड़ नहीं है, नॉर्मल कर्ड ही, थोड़ा थिक वाला है ये। लगभग 2 टीस्पून के जितना मैंने कर्ड डाला है। अगर आप चाहें तो हंकड भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो डाल दें। और 1 बिग पिंच डाल देंगे इसमें रेड फूड कलर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, 1 टीस्पून के जितना ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 और आधा टीस्पून के जितना ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। पहले ही डालना मैं भूल गई थी फ्रेंड्स, आप जब मैरिनेशन का मसाला डालेंगे तभी इसमें 1 और आधा टीस्पून के जितना ज़ीरा पाउडर डाल के मिक्स करके रख लें। वो कवर करके एटलीस्ट 1/2 से 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो चलिए पैन मैंने चढ़ा दिया, इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के जितना बटर और 1 टीस्पून के जितना ऑयल। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब इसमें चिकन की पीसेस के एक लेयर लगा देंगे इस तरह से। पैन को ओवर क्राउड नहीं करना है फ्रेंड्स, जितना पैन में आ सकता है उतने ही चिकन पीसेस डालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है एक लेयर चिकन के और इसको ढक देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन हटा लिया है मैंने। इसको एक बार फ्लिप कर लेंगे अच्छे से, फिर से कवर करके फिर से पकने रखेंगे। तो चिकन को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। इस तरह से ही मिक्स करते हुए पका लेंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छे से पक चुका है, अभी इसको निकाल लेंगे। सेम पैन में बचा हुआ चिकन भी डाल देंगे। थोड़ा सा बटर डाल के इसको ढककर पकने रख देंगे। चिकन को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इस तरह की छन्नी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पैन को कर देंगे ट्रांसफर दूसरे चूल्हे पर और चिकन को इस तरह से स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को अंगार पर इस तरह से रखेंगे, फ्लिप करते हुए सेक लेंगे ताकि अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। ये हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। इसी तरह बचे हुए चिकन भी अंगार पर सेक लेंगे। पैन को आगे कर लेंगे, चेक कर लेते हैं पैन का किस तरह से बन रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छे से बना है, पैन का भी ऑलमोस्ट तैयार है। इसको भी हल्का हल्का पॉट आ चुका है इसमें भी। तो चलिए इसमें कोयले का स्मोक दे देंगे। कटोरी रख दिया है मैंने और इसमें रख देंगे जलता हुआ कोयला और थोड़ा सा घी डालकर इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें भी अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। और इसको जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता तब तक इसको इसमें ही इसके भाव में ही छोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो चुका है, कोयले का कटोरी निकाल लेंगे और चिकन भी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं चिकन को देखने से ही पता लग रहा है कि कितना सॉफ्ट और जूसी है ये। तो ये लीजिए फ्रेंड्स बन के तैयार है हमारी डिश तंदूरी चिकन। इसे खाने के लिए हमें अब से बाजार जाने की, रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर के कम्फर्ट में ही इसको बहुत आराम से बना सकते हैं और अपने घर वालों के इससे मज़े करवा सकते हैं।
तो चलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें। चिकन देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही जूसी बना है, आप इसको ट्राई करें और अपना सजेशन और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें फ्रेंड्स। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज आपके लिए मैं लाती रहूँ। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली रेसिपी में, तब तक अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।